हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फर्स्ट अकेडमी एनसीईआरटी। मैं अमित कुमार स्वामी। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा छठी के अभ्यास चार के बारे में, जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा। ठीक है बेटा, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 2। ठीक, तो इसमें ये एक आकृति दी गई है, इसमें बताना है कि कौन सा बिंदु कहां पर पूछा गया, वो बताना। देखो, अभ्यंतर पहला क्वेश्चन है कि डीओई के अभ्यंतर में स्थित कौन सा बिंदु। अभ्यंतर मतलब होता है अंदर, मतलब अगर ये कोई कोण है, तो अगर ये कोई कोण है तो इसके जो ये वाले हिस्से में, इस वाले में अगर कोई भी बिंदु होगा तो वो उसके अभ्यंतर होगा, लेकिन अगर इसके बाहर होगा तो वो बहिर्भाग में होगा, मतलब बाहर के हिस्से में होगा। तो देखो, ये पूछ रहा है डीओई, तो समझ लेना ये वाला कोण है, तो इस वाले कोण में देखो क्या है, सिर्फ ए जो है ये अंदर है। क्या है ये अंदर, क्योंकि ये ई बी ओ डी ये तो इन रेखाओं पर है ना, रेखाओं पर, रेखाओं वाला नहीं, जो इसके अंदर वाला है वो देखा जाएगा। तो डीओई के अभ्यंतर कौन सा है, सिर्फ ए। क्या है, सिर्फ ए स्थित है। तो जी देखो जी, हमने ए दिखा दिया, अब इसको मैं हटा देता हूं वरना और भी चीजें समझानी पड़ेंगी। ठीक है, देखो तो ए बिंदु जो है वो इसके अभ्यंतर हो गया। अब पूछ रहा है ई ओ एफ के बहिर्भाग में, ई ओ एफ। अब देखो जो ऊपर वाला हिस्सा बेटा, मैं यहां पर इसलिए लाइन नहीं खींच रहा हूं वरना थोड़ा सा समझने में आगे दिक्कत होगी। देखो ये है ई है, ये है ओ है, ये एफ है। ये पूछ रहा है इसके बहिर्भाग, मतलब इस पूरी आकृति में इसको जो ये यहां पर भी है, ये भी इसी पर है, इसी रेखा पर, इसके अलग कौन कौन सा है। तो देखो एक तो सी है, यहां पर अलग है, ए है यहां पर है, लेकिन जो डी है जो इधर खींचा गया है ये इस पर तो नहीं है, तो कितने बिंदु हो गए, सी ए और डी, सी ए डी, ये तीन बिंदु ऐसे हैं जो इसके बाहर है, इसके बाहर है, इसके अंदर नहीं है, बाहर है ना। तो लिख दीजिए अब ई ओ एफ पर कौन कौन सा है। देखो अब ई ओ एफ, ठीक है, अब देखो ई ओ एफ तो है, तो ई ओ एफ पर स्थित बिंदु कौन कौन से, तो ई ओ एफ तो है ही है भाई, ई ओ एफ पर ई ओ एफ ये बिंदु तो हो भी, लेकिन बी बी तो इसी रेखा पर है, तो बी बी आएगा, तो बी बी इसी में ही लिखा जाएगा। तो हमने देख लिया इसमें अभ्यंतर भी हम समझ गए क्या होता है, बहिर्भाग भी समझ गए, और अगर उन्हीं रेखाओं पर कोई भी स्थित है बिंदु, चाहे हजार हो तो भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो ई ओ एफ पर जो स्थित बिंदु है तो ई ओ एफ तो है ही है, और बी बी इसी पर है तो बी बी हम लिखेंगे। तो यहीं पर प्रश्न नंबर 2 आपका समाप्त होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा। ठीक है कि सर हमें यहां दिक्कत आ गई, यहां समझ में नहीं आया, फिर उसको समझेंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो ख्याल रखो अपना।